प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। रघुवंश बाबू यानी कि प्यार से लोग उन्हें रघुवंश प्रसाद सिंह को, जिनका आज देहांत हुआ, 74 साल के रघुवंश प्रसाद सिंह थे, आरजेडी के नेता और जो यूपीए सरकार थी UPA 1 उसमें रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के रूप में उन्होंने ख्याति अर्ज की थी और बिहार की राजनीति में उन्हें रघुवंश बाबू के रूप में याद किया जाता है। उन्हें लोग प्यार से रघुवंश बाबू कहते थे। अक्सर हाँ, जब बिहार में किसी को सम्मान दिया जाता है तो उसके पीछे कुछ खास बात होती है कि रघुवंश प्रसाद सिंह को ये सम्मान क्यों मिला, और अक्रॉस द पार्टी लाइन आप देखें कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने उनके प्रति जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद सिंह की एक लीडर के रूप में किस तरह से उनका जो इमर्जेंस था उसको दिखाता है। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह किस तरह के नेता थे, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है भारतीय राजनीति में और खास करके बिहार की पॉलिटिक्स में, उस पे आने से पहले मैं शुरुआत करता हूँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस फेमस लाइन से जो उनका एक 2014 का एक फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी कि 2014 में प्रधानमंत्री पद से हटने से पहले उनका एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जर्नलिस्टों ने एक सवाल उनसे पूछा तो उस पे मनमोहन सिंह का ये कहना था कि इतिहास उनके साथ ज़्यादा न्याय करेगा वर्तमान की तुलना में, यानी कि जब उनके ऊपर उनके योगदान को लिखा जाएगा तो जो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जो उनके क्रिटिक्स हैं, जो उनके आलोचक हैं, वो उनके साथ बेहतर न्याय कर सकेंगे। और आप इस बात को जानिए कि नरेंद्र मोदी के इस मैसिव मैंडेट के बाद भी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी चुनकर आए और उसके बाद 2014 से 19 और 2019 के बाद उन्होंने दूसरी बार सरकार बनाई, तब भी किसी सरकार की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि बाकी योजनाओं को या तो स्टॉप किया गया, बंद किया गया या उसका नाम बदला गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने भी ये हिमाकत नहीं की कि मनरेगा को टच किया जाए, मनरेगा के एलोकेशन में कोई कटौती की जाए और मनरेगा उसी तरह से गरीबी हटाओ का एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ा स्कीम जारी रहा जो रघुवंश प्रसाद सिंह ने कंसीव किया था। और कई सारे ऐसी बातें उस दौर में हुआ करती थी और कई सारे ऐसे जो UPA की बैठकें हुआ करती थी उसमें रघुवंश प्रसाद सिंह का जो एक रस्टिक अंदाज था, एक किस्सा है कि किस तरह से लालू और जो रघुवंश प्रसाद सिंह की जो केमिस्ट्री है वो भी अपने आप में अद्भुत रही है। लालू प्रसाद एक अक्खड़ किस्म के पॉलिटिशियन माने जाते हैं और जब वो पार्लियामेंट में आते थे, जब वो रेल मंत्री के रूप में UPA 1 में थे तो पार्लियामेंट में जब वो आते थे तो उनके दो करीबी जो है वो बिल्कुल उनकी आंख और कान के बराबर साय की तरह आगे पीछे रहते थे, जिसमें प्रेमचंद गुप्ता और जयप्रकाश यादव का नाम लेना ठीक होगा, वो उनके एक तरह से आंख और कान थे। लेकिन लालू प्रसाद की आंखों में आंखें डालकर बात कहने वाला आरजेडी में सिर्फ एक पॉलिटिशियन था, वो रघुवंश बाबू थे, और लालू कभी भी हिम्मत नहीं करते थे कि रघुवंश की बात को काटा जाए। एक किस्सा है कि जब लालू प्रसाद रेल मंत्री के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने पूरे रेलवे का कायाकल्प कर दिया तो आप उनकी जो रेटिंग्स है वो एज ए मिनिस्टर कितना मापते हैं, रघुवंश बाबू ने बड़े ही रस्टिक अंदाज में कहा कि 10 में से 0, लालू को रेलवे के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन लालू का जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट, लालू को राजनीति आती है, लेकिन अगर आप उनके मिनिस्ट्रियल परफॉर्मेंस के बारे में मुझसे पूछेंगे तो वो 0 के बराबर है। ये बात किसी ने, प्रेमचंद गुप्ता ने या JP यादव ने लालू प्रसाद को बताई तो लालू ने कहा कि ये बात पब्लिकली नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जो रघुवंश कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे जो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की नीटी ग्रिटी है वो रघुवंश की तरह नहीं पता, उतना नहीं पता है। तो ये दोनों की केमिस्ट्री थी, लेकिन खास करके ये भी याद रखा जाएगा कि किस तरह से लालू प्रसाद ने रघुवंश प्रसाद सिंह को, और खास करके लालू के जो बेटे थे उन लोगों ने रघुवंश प्रसाद सिंह को कॉर्नर किया, और जो अंतिम में जो उनका जो इस्तीफा था या पिछले कुछ 6-8 महीनों से जो खटपट चल रही थी वो इस मुद्दे पर थी कि वो उस इलाके से रामा सिंह एक जो बाहुबली नेता है उनको RJD में उनकी एंट्री हुई थी, और चूंकि तेजस्वी और तेज प्रताप को उस इलाके से जीतने में रामा सिंह मदद करेंगे तो इसलिए उनकी एंट्री कराई गई थी, और जिस बात से रघुवंश प्रसाद सिंह काफ़ी नाराज थे और इस नाराजगी की वजह से उन्होंने 6-8 महीने पहले भी इस्तीफा देने का उन्होंने घोषणा की थी, बाद में उन्हें मना लिया गया था लेकिन 2-3 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सबसे बड़ा जो RJD के ऊपर ये सवाल उठाया जाता रहेगा कि RJD के ऊपर जो आरोप लगता है कि एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, वो आरोप कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू के जाने से वो सवाल और RJD पे उठेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद अगर चाहते तो 2009 में जब UPA 2 दोबारा सत्ता में आई थी तो UPA के जो
करता धरता थे और खास करके सोनिया गांधी चाहती थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह वापस कैबिनेट में आए, लेकिन और जो चिट्ठी भेजी गई थी, जो राष्ट्रपति भवन लिस्ट भेजी गई थी, उसमें रघुवंश यानी कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सामने नाम रिक्त रखा गया था कि अगर लालू प्रसाद मंजूरी दे देंगे तो रघुवंश बाबू को इंडक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन लालू प्रसाद ने इसकी मंजूरी नहीं दी। लालू प्रसाद अगर चाहते तो अपने परिवार के बाकी सदस्यों की को छोड़कर, जैसे मीसा भारती को उन्होंने राज्यसभा भेजा, प्रेमचंद गुप्ता को उन्होंने भेजा, उनके बेटे तेजस्वी यादव विधानसभा में हैं, उनके दूसरे बेटे भी विधानसभा में हैं, दोनों मंत्री भी बने, रघुवंश प्रसाद सिंह को राज्यसभा में भेज सकते थे। तो रघुवंश प्रसाद सिंह एक बिहार की राजनीति के वैसे नेता के रूप में उन्हें याद रखा जाएगा जो ऑनेस्टी, सादगी और जिस तरह से प्रोप्राइटरशिप एक पब्लिक लाइफ की होती है उसको उन्होंने मेंटेन किया एक बड़े कैबिनेट पोर्टफोलियो में रहते हुए, और साथ ही एक मनरेगा जैसी स्कीम को उन्होंने अंजाम दिया। और खास करके उनके बारे में लोग बाकी बिहार से बाहर की राजनीति के बारे में नहीं जानते कि रघुवंश प्रसाद सिंह कितने मेटिकुलस पॉलिटिशियन थे, कितनी बारीकी से फाइलों को पढ़ते थे और किस तरह की स्कीम को इतने बड़े स्केल पे उन्होंने गरीबी को हटाने के लिए अंजाम दिया। शंकर एनिमेशन द प्रिंट।